नाज़रीन इकराम, मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों आपको कि आप इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम जो हालात चल रहे हैं और पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं और ख़ासतौर पर रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर लोग इस इन्वेस्टमेंट से भाग रहे हैं और लोग नहीं चाह रहे कि आने वाले फ्यूचर क्या होगा। हर बंदा इस मामलात के अंदर परेशान है, लेकिन आप लोगों को गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आप छोटी इन्वेस्टमेंट करें जिसमें 2-4-5 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट हो और आपको उसका रिटर्न अच्छा आ सके, ना कि 2-4 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा लॉस नहीं करती और इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा होगा। और वो सोसाइटी जिसके अंदर तमाम तरह NOC मौजूद है, जिसकी लोकेशन जो कि एयरपोर्ट से बिल्कुल करीब तर, सी पैक से बिल्कुल करीब तर और वैलिडिट प्लाट, ना कि कोई किस्तों शस्तों का झंझड़, ना कि कब बैलेटिंग होगी, कब प्लाट मिलेगा, खड्डे में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई अता पता नहीं। लेकिन आपको अपने पसंद का मैप के ऊपर वैलिडिट प्लाट मिल सकता है जिसके अंदर तमाम एमिनिटीज़, तमाम सहूलियात मैसर हैं जो कि आम कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मौजूद होती हैं। जैसे कि नाम से मुसम है, इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आप अपना प्लाट ले सकते हैं। 4,51,000 इसकी कॉस्ट ऑफ लैंड है, 3,16,000 रुपया इसके जो है डेवलपमेंट चार्जेस है। टोटल प्लाट की कीमत बनती है 7 लाख समथिंग और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं माइनस के अंदर। और आपको पता है जब चीज़ माइनस में हो तो आप ले लें, जब प्रॉफिट में जाए तो बेच दें। तो ये RRD 2-3 दफ़ा एक्सरसाइज हम कर चुके हैं सोसाइटी के अंदर, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो फार्मूला ये है कि रोड्स के एक्सेस होने जा रही हैं जिस वजह से इसके रेट्स नीचे थे, और एयरपोर्ट और कारगर रोड प्लस कसाना डैम रोड से एक्सेस बिल्कुल होने वाली है और रास्ता पे काम स्टार्ट है। जैसे रास्ता कम्प्लीट होगा और ख़ासतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई और एयरपोर्ट के साथ वाबस्ता लोग, जैसे कि सिविल एविएशन के लोग, ASF के लोग और PIA और PLAI वगैरह जो भी सिविल एविएशन के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, एयरपोर्ट के इंतजामिया के साथ जिनका उठना बैठना है या उनके साथ जिनकी जॉब होल्डर वहाँ पर हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका है कि आप इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें और इंशाल्लाह अपना और बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें। इंशाल्लाह यहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट की हुई आपको फायदा हासिल होगा, क्योंकि ICHS एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स की सोसाइटी है। इसमें लो यानी कि आम रूटीन में जो सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी होती है इसको ना तो कोई नो प्रॉफिट नो लॉस वाला चक्कर होता है, ये जेन्युइन चीज़ होती है। इसमें इंशाल्लाह जो इन्वेस्टमेंट जो होती है मेंबर्स की वो सेफ होती है।